हेलो फ्रेंड्स, नेहा की पाकशाला में आपका स्वागत है। आज हम मटर का निमोना बनाएंगे, खाने में बहुत ही टेस्टी और टेस्ट में एकदम डिफरेंट। तो चलिए देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। मटर के निमोने बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कप बॉईल की हुई मटर ली है, 2 मीडियम साइज के आलूओं को बॉईल करके और काट कर लिया है, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला, 1 छोटी चम्मच जिंजर चिली पेस्ट, 1 बड़ा चम्मच घी, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 3 बड़े चम्मच दही लिया है। दही बहुत खट्टा नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 चुटकी मेथी दाना, 1 चुटकी हींग, 1 छोटी चम्मच नमक, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है। तो चलिए हम मटर के निमोने बनाना शुरू करते हैं। और हर बार की तरह आपसे केवल ये एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। एक मिक्सर जार लेंगे, उसमें हम ये बॉईल की हुई मटर डालेंगे और 2 चम्मच के बराबर हम मटर इसमें से बचा लेंगे। अब हम इसको दरदरा पीस लेंगे। मटर को हमने दरदरा पीस लिया है। अब एक कढ़ाई लेंगे और उसमें हम सरसों का तेल डालेंगे। आप रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तेल को हम मीडियम फ्लेम पर गरम करेंगे। तेल गरम हो गया है तो अब हम गैस को मीडियम लो कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे हींग, जीरा और मेथी दाना। अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब जो हमने मटर पीस कर रखी थी वो इसमें डालेंगे। जो मटर हमने पीसने से बचा ली थी उसको भी हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसको बीच बीच में चलाते हुए मीडियम लो फ्लेम पर ही 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। क्योंकि हमने मटर को बॉईल करके लिया है इसलिए इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, केवल 2 से 3 मिनट के लिए ही पकाना है। 2 मिनट हो गए हैं और मटर अच्छे से पक गई है। अब हम इसमें बाकी के सारे मसाले डालेंगे, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, जिंजर चिली पेस्ट। सारे मसालों को इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। सारे मसाले अच्छे से मटर में मिक्स हो गए हैं तो अब हम इसमें 2 कप पानी डालेंगे। बॉईल किए हुए आलू डालेंगे। अच्छे से एक बार मिक्स कर देंगे। अब गैस को हाई फ्लेम पर करेंगे और इसमें एक उबाल आने देंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें उबाल आ गया है। अब हम गैस को वापस से मीडियम लो फ्लेम पर करेंगे और मीडियम लो फ्लेम पर इसको 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे और बीच बीच में चलाते भी रहेंगे। 6 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। अब हम गैस को एकदम लो फ्लेम पर कर देंगे। फ्लेम को एकदम लो करने के बाद हम इसमें दही डालेंगे। दही को इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। दही को हमेशा गैस को ऑफ कर या फिर फ्लेम को लो करने के बाद ही डालें, वरना दही फट जाएगा। जो दही आप इसमें डालने के लिए इस्तेमाल करें वो रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। दही इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम गैस को वापस से मीडियम लो फ्लेम पर करेंगे और इसको बीच बीच में चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए और पकाएंगे। 3 मिनट हो गए हैं और अभी अच्छे से पक चुका है। इसमें अब हम गरम मसाला डालेंगे, एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। हम इसमें घी डालेंगे। घी को इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे।
घी से इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है और घी डालना टोटली ऑप्शनल है। अगर आपको घी पसंद ना हो तो आप ना डालें। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, अच्छे से एक बार मिक्स कर देंगे। मटर का निमोना बनकर के बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको एक सर्विंग बोल में निकाल लेंगे, बारीक कटे हुए हरे धनिए से गार्निश कर देंगे। मटर का निमोना बनकर तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म रोटी, पराठे और चावल के साथ खाएं। ये टेस्ट में बहुत ही डिफरेंट होता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।